भी इस तरह से ठंडा ठंडा फूल गुलाब दी बनाए धनिया का ये बना। फ्रेंड्स मेरे पास बिल्कुल फ्रेश कोरिएंडर है, फ्रेश कोरिएंडर है बिल्कुल। मैंने इनको काटा भी नहीं है और ये डंडियाँ भी साथ रहने दी है। पीछे से रूट सिर्फ काटी है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी भरी होती है, ये डंडियाँ रहने दी हैं और पानी में अच्छे से भिगो दिया है। और इसको अच्छे से धोने के बाद हम मिक्सी ग्राइंडर के जार में डाल देंगे इसको अच्छे से। इसी तरह से इसको अच्छे से निचोड़ देंगे, पानी निकाल देंगे ये वाला, ग्राइंडर के अंदर डाल देंगे। तो फ्रेंड इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के हम मिक्सी को अंदर इसको अच्छे से ग्राइंडर कर लेंगे, पीस लेंगे और पानी डाल लेंगे और इसका छन्नी करके स्टेन करके इसका पानी निकाल लेंगे। इसका फ्रेश पानी पीने से हमारा कोलेस्ट्रॉल भी ख़त्म होता है, हमारे जितने भी पेट के अंदर चर्बी है वो ख़त्म हो जाती है और हमें पेट को बहुत ठंडक मिलती है। पेट में अगर अल्सर है या कोई गर्मी है या कई बार सूजन ही हो जाती है हमारी, तो वो उसमें भी बहुत अच्छा है, आराम मिलता है। तो इसका हमें कोई भी नुकसान नहीं है फ्रेंड्स। हमें धनिया है बिल्कुल फ्रेश धनिया है, इसकी डंडी समेत ही हमें पीसना है। जितना पत्तों में असर है उससे कहीं ज़्यादा इसकी इस डंडी के अंदर असर है ये वाली, तो इसलिए इसको इसके साथ ही पीसेंगे और अच्छे से पीस के अच्छे से इसको पानी को छान लेंगे और हल्की सी काली मिर्च, हल्का सा नमक और नींबू डाल के इसको पी लेंगे। ये बहुत ही ठंडा ठंडा पेय है फ्रेंड्स। इसको पीने से हमें लू नहीं लगती, फेस के अंदर शाइनिंग आती है, चमक आती है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता, वेट नहीं बढ़ता। इसके बहुत से फ़ायदे हैं फ्रेंड्स, अगर मैं फ़ायदे गिनाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसको इन्जॉय करें फ्रेंड्स, हम आपको बना के दिखाते हैं कैसे। तो फ्रेंड्स हम मिक्सी की जार में इसको अच्छे से ग्राइंड कर चुके हैं धनिया को। आप देखिए कैसे लग रहे हैं धनिया, ग्राइंड अच्छे से हो चुका है फ्रेंड्स। देखिए धनिया को अच्छे से पीस चुका है फ्रेंड्स। तो मैं इसको जार को हटाती हूँ, दिखाती हूँ आपको। हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे, स्ट्रेन करने के बाद जो धनिया बचेगा उसको चटनी के रूप में यूज़ करेंगे और इसको हम पानी के ग्लास में डालते हैं। फ्रेंड्स इसके अंदर आइस नहीं डालना है, फ्रिज का ठंडा पानी डाल सकते हैं। मैंने फ्रिज का ठंडा पानी डाला है और इसको स्ट्रेन कर रहे हैं। इस तरह से स्ट्रेन लगा लें ग्लास के अंदर और इसको स्ट्रेन कर लें। मैंने डबल छन्नी वाला स्ट्रेनर लिया है, अच्छे से स्ट्रेन हो गया इसके अंदर। ये जो जितना निकला है इसकी हम चटनी बना लेंगे। इसी के अंदर ही हम नींबू और काली मिर्च डाल के नमक डाल के इसको चटनी के रूप में खा लेंगे, फेंकेंगे नहीं। तो इस तरह से हमारा ये फ्रेश धनिया का पानी तैयार है। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा लेमन, लेमन स्क्वीज कर लेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो पूरा लेमन डाल लें, ज़्यादा खट्टा नहीं पी सकते तो आधा लेमन डाल लें। इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च, तीखा ज़्यादा नहीं खाएंगे, जितना हम सह सकते उतना ही लें, और थोड़ा सा काला नमक। काले नमक भी अपने ही फायदे हैं फ्रेंड्स, काली मिर्च भी ठंडक पहुँचाती है हमें। इस तरह से रेडी करें और पी लें, ये गर्मियों का बेहतरीन तोहफा है फ्रेंड्स। अलग अलग तरह के पेय पदार्थ आप पी सकते हैं, क्यों ये हमारे घर में ही उपलब्ध हैं, हमें इसके लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। फ्रेंड्स पिए और खुश रहें। तो फ्रेंड्स ये देखने भी बहुत अच्छा लग रहा है ना, इस तरह से इसको आप इंजॉय कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो मुझे पी कर बताएं आपको कि कैसा लगा। फ्रेंड इस तरह से ठंडा ठंडा फूल गुलाब दी बनाए धनिया का ये बना, इंजॉय करें। थैंक यू।